हेलो एवरीवन, आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं नेट का एक और क्वेश्चन जो कि नेट 2022 में आया था। वो हमारे लिए अलजेब्रा से है और बहुत इजी है। हमें क्या दिया गया है, एक ए हमारे पास एक फोर कॉस फोर की मैट्रिक्स है जिसकी हमें चार आइगन वैल्यू दी गई है -1, 1, 1 और -2। उसके बाद हमें क्या है, एक बी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रखी है उसने क्या, एक ही कुछ पावर करके और कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके उसने एक बी मैट्रिक्स बनाई हुई है। तो उसके बाद उसने पूछ रखा है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है जी, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक रिजल्ट, ए भी हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी वो इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो रिजल्ट का हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए की हमें चार आइगन वैल्यू दी गई है -1, -1, 1, 1 और -2। ठीक है जी, और हमें बी मैट्रिक्स दी गई है साथ में। बी मैट्रिक्स क्या है, ए की पावर 4 -5a² + 5i। अगर हम ट्रेस ऑफ ए निकाल ले और ट्रेस ऑफ बी निकाल ले और उनका सम कर ले तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। तो हमें ट्रेस ऑफ ए तो हमें पता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब मेन काम रह गया हमारा ट्रेस ऑफ बी निकालना, यानी सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ बी। तो हम अब बी की अगर हम सारी की सारी आइगन वैल्यू निकाल लें, बी हमारे पास क्या है 4x4 की मैट्रिक है तो उसके पास चार ही आइगन वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो अगर हम बी की सारी आइगन वैल्यू निकाल लें और उनका सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस। तो उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉलीनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास पी एक्स क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 4 -5x² + 5। ठीक है जी, अब हम आइगन वैल्यू निकालते हैं बी की। अब हम बी के आइगन वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, ए की पावर है, तो हम क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकाल लेंगे बी की। यानी हम कह सकते हैं कि बी की फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या होगी, हम x को -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगी 1 -5 + 5, इट मींस 1। ओके जी, सिमिलरली हम क्या करेंगे, x को 1 से रिप्लेस करेंगे। जब x को हम 1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा, अगेन हमारे पास आ जाएगा 1। फिर हम 1 से रिप्लेस करेंगे x को, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ओके जी, फिर हम 2 से रिप्लेस करेंगे। जब हम 2 से रिप्लेस करते हैं तो 2 की पावर 4 -2² + 5, इट मींस 16 - 20 + 5, 21 - 20 = 1। तो b के हमारे पास चार आइगन वैल्यू आ गए, क्या क्या, λ1, 1, λ2, 1, λ3, 1 और λ4, 1। तो हमारे पास b की क्या आ गई, चार आइगन वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ a प्लस b। ठीक है जी, तो हमें ट्रेस ऑफ a प्लस b पता है हमें क्या होता है, ट्रेस ऑफ a प्लस में ट्रेस ऑफ b। तो हम ट्रेस ऑफ a तो हमारे पास है सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ a, यानी 1 -1 + 1 + 1 - 2 प्लस में ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास चार। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 3 + 4 - 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।